हैं, आप ठीक ठाक हैं। आपका भाई एक और नई वीडियो के साथ आपके साथ है और आज आपको ऐसी ऐसी जगह मैं दिखाने वाला हूँ और आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। और आज की जितनी भी हमने सैर करनी है, जो जो चीज़ें देखनी है, हमारे साथ सरमा भाई हैं। सरमा भाई हाय, तो ये आज हमें इसमें पूरी सपोर्ट करेंगे, हमें दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस एरिया के बारे में मुझे भी पता है लेकिन इतना नहीं पता जितना इनको पता है, ठीक है। तो मैं स्पेसिफिक किसी जगह का नाम नहीं लूँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना आप समझ लो कि हिडन रखी हुई हैं, जहाँ जैसे जैसे वहाँ पर पहुँचूँगे वहाँ पर हम देखेंगे। और फिर सबका नाम मैं इसलिए नहीं बता रहा कि हो सकता है मैं किसी ऐसी जगह का नाम ले लूँ जो मैं आपको ना दिखा सकूँ, तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगा आज मसाफी, ठीक है। तो अक्सर आपने पाकिस्तान में भी आप देखेंगे, आप कारपोर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पानी मिलेगा मुसाफी की बोतल, ठीक है, उसको फिर मुसाफी लिखा होता है। एक्चुअली ये वो जगह है, उसी के नाम से वो पानी यहाँ से मतलब सेल होता है, क्योंकि यहाँ की इन्वायरमेंट बड़ी अच्छी है, ग्रीनरी बहुत अच्छी है, मौसम बड़ा अच्छा रहता है इसके ऊपर, ठीक है। तो तीन चार बड़ी ख़ास जगह हैं जिनको आज हम विज़िट करेंगे और आपने वीडियो पूरी देखनी है, ठीक है, बीच में छोड़ के स्किप नहीं कर देनी। तो इंशाल्लाह आज फिर एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बनने वाली है, ठीक है, फिर मिलते हैं। मुसाफी का राउंड अबाउट है मेन, ठीक है, यहाँ से काफ़ी सारे रोड्स जो है ना यहाँ से निकलते हैं, शारजा को भी निकलता है यहाँ से रास्ता, ठीक है। और लेकिन हम लोग जाएंगे दिब्बा की तरफ, ठीक है। ये सामने आप बोर्ड देख रहे हैं, 42 किलोमीटर देख रहे हैं, यहाँ से तकरीबन 42 किलोमीटर है। हमने दायद जाना है, लेकिन दायद जाने से पहले रास्ते में हम लोग मुसाफी को देख लेंगे, ठीक है। मार्केट आएगी, बड़ी प्यारी लग रही है, होटल आएगा उन्होंने दूर थोड़ा पैसे दस देना। ये देखो जरा, ये देखें यहाँ पे आपको एक बोर्ड मिलेगा मुसाफी का, देख रहे हैं ये, और साथ में पानी भी बना हुआ, और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे सरमद भाई। यहाँ पे अगर आप फील करेंगे तो आप देखें ज़रा साइडों में, आप देख रहे हैं ग्रीनरी। अब यहाँ पे मुसाफी जो है ना देखें, आप स्टार्ट होते ही यहाँ पे दरख्त आपको नज़र आना शुरू हो गए दोनों साइड में, देख रहे हैं। और इन दरख्तों के पीछे भी अगर मैं तो खैर ऐसे देख रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि पीछे तक काफ़ी दरख्त हैं, तो इन्हीं की वजह से इसके मौसम के अंदर काफ़ी तब्दीली आ गई हुई है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोग बताते हैं कि कल भी बारिश हुई थी यहाँ पे, तो इसको बाकी तो किसी इलाके में हुई नहीं लेकिन यहाँ पर हुई है, तो इसका मतलब है कि यहाँ का वेदर थोड़ा बेहतर है। और जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो ये बताते हैं कि पूरा साल यहाँ पे एक बेहतर वेदर कंडीशन रहती है, इतनी गर्मी नहीं यहाँ पे होती जैसे कि यूएई में गर्मी पड़ती है दूसरे एरियाज़ में, तो ये एक बेहतर एरिया है दूसरों से। मैं देखें ज़रा पहाड़ों के ऊपर देख रहे हैं आप, ये छोटे छोटे आपको ये झाड़ियाँ से नज़र आनी शुरू होगी, लेकिन इससे आगे आप देखेंगे तो वो झाड़ियों के बगैर ही हैं सारे पहाड़। तो ये
जो एरिया है इसमें ये कम अज़ कम ये भी एक बड़ी नेमत है, क्योंकि यहाँ पे देखा ना पानी का भी इतना इंतज़ाम नहीं है, लेकिन ये फिर भी फलते हैं फूलते हैं। हाँ ये देखें, देख रहे हैं, और इस साइड में भी देखें ये भी सारी ग्रीनरी है। और इसकी बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको सरमन भाई को दूंगा, वो फिर आपको बताएंगे कि और जो इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो इसमें क्या है, क्योंकि बहुत गहराई में तो शायद नहीं जाएंगे, लेकिन ये एक नॉर्मल जो है ना एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। गाइस सरमन भाई आपको बताएंगे जो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अक्सर इनका यहाँ पर आना जाना है और इनके पास काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इस एरिया के बारे में, फिर आपको बताएंगे जो ज़रूरी जगह देखने वाली इसके करीब करीब। जी इसके बारे में सबसे पहले मुझे लड़के ने कहा कि ग्रीनरी और बिल्कुल ऐसे ही अभी ग्रीनरी हो गई है, बारिश वो की नदी कल गया हुआ था, कल बहुत बारिश हुई। तो बाकी तो ये कि ये दिब्बा का जा रहा है, और सबसे पहले पीछे मसाफी में जो फ्राइडे मार्केट थी वो बड़ी ही अच्छी अच्छी जगह जहाँ से आप परचेजिंग भी कर सकते हैं, और उसके अलावा ये रास्ता सीधा दिब्बा जाता है और दिब्बा बीच में जाएगा, बहुत अच्छी जगह देखने के लिए। दिब्बा हसन जाए, दिब्बा हसन का ये रूट है, और इस रूट पे दिब्बा हसन बिल्कुल ओमान बॉर्डर में पहुँच जाएगी आप, उसके साथ ही बीच है, साथ ही बॉर्डर सामने आपको ओमान का सारा व्यू नजर आएगा, वो बहुत अच्छा है। और स्पेशली भी थोड़ी देर में आने वाला एक व्यू जहाँ से मैं नीचे जाऊँगा अब वो आपको दिखाएंगे, उस तरफ बहुत अच्छा व्यू आता है पहाड़ का, और आप नीचे उतर रहे होते हैं उधर भी खरीद रही है, और साथ में उतरने का व्यू एक अच्छा है। स्पेशली इस जगह का यही है, और वेदर इधर बहुत अच्छा रहता है, इस टाइम भी बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, और सरमा भाई ये मुझे बताएं कि इसके करीब कौन कौन सी ऐसी वादियाँ हैं जो कोई नया बंदा है तो उसको देखनी चाहिए? इसमें वादी अहम है, और फरफर वादी के पीछे है, उसके अलावा अश्विनी वादी है लेकिन वो थोड़ी सी दूर है अश्विनी वादी है, लेकिन मैं जो कहूँगा स्पेशली अगर आप मुसाफिर तक आए तो वादी शीश नहीं है, दुबई नहीं है, वादी शीश में एक तो हर वक्त पानी रहता है, क्योंकि नॉर्मली इधर इतनी जल्दी पानी वादी में आता नहीं, लेकिन उधर मैं दो चार बार जा चुका हूँ, वादी शीश सबसे बेस्ट है रोटी के लिए, उधर बहुत अच्छे व्यूज हैं, नेचुरल पानी चश्मा निकलता है, तो वो वादी शीश सबसे नंबर वन। उसके बाद बुराया थी वो क्लोज है, वो नहीं अभी ओपन हुई, जब होएगी तो आपको बताएंगे इन शाला जैसे ही क्लोज ओपन होगी, अभी फिलहाल क्लोज है उस पर काम चल रहा है। जी गाइस आपने सुना वादी शीश जो है ना वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, वादी सीदर वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, और यहाँ पे एक वादी सीदर भी है उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। फिर वादी वरोया जैसे इन्होंने बताया है कि वो वहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है अभी तक रेडी नहीं है, लेकिन आप उसके बीच पे जाके इंजॉय ज़रूर कर सकते हैं, और उसके सामने क्योंकि ईरान का पूरा समंदर है तो उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है।
मुसाफी से होके दिब्बा की तरफ जाऊंगा। तो गाइस इस वक्त मैं दिब्बा के बिल्कुल अंदर हूं और आप ये ज़रा देखें कि कितनी खूबसूरत जगह है। और मेरे सामने जो पहाड़ इस वक्त नज़र आ रहे हैं वो मस्कत ओमान के पहाड़ हैं और हम बिल्कुल जो है ना एक ऐसी पट्टी के ऊपर खड़े हुए हैं जो यूएई का मैप है ना जो उसके बिल्कुल पट्टी के ऊपर ऊपर हम घूम रहे हैं। ठीक है, तो मैं इन पहाड़ों के थोड़ा और करीब जाऊंगा फिर उसके बाद फिर आपको बताता हूं मैं। और इधर आप देखें ज़रा ये पहाड़ देखें, ये बिल्कुल ये पानी के अंदर है। ये देखें ये सारा दिब्बा का एरिया है, ये दिब्बा के पहाड़ हैं। ठीक है, और इधर जो है ना ये सारे ये भी दिब्बा का एरिया सारा जहाँ पर मैं खड़ा हूँ मतलब यूएई का। और ये जो सामने है ना ये सारा मस्कत का एरिया है। और गाइस सरमद भाई इनकी इनका आपने थैंक यू कहना है क्योंकि ये हमें लेके आए हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये इस जगह को सारी को जानते हैं, हमें तो इतना पता नहीं है लेकिन ये है कि इनकी वजह से हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो आप कुछ कहना चाहते हैं सरमद भाई? बस आपके साथ बहुत मज़ा आया आज, मेरा तो किसी को फर्क था लेकिन अकेले हो तो सारी सप्लाई स्कूल भी चलती है लेकिन आज आपके साथ कंपनी है तो जस्ट इंजॉय हो रहा है उल्टा जी। तो गाय सरमद भाई जो है ना ये इसी एरिया में अक्सर इनकी जॉब होती है तो फिर मुझे इन्होंने ऑफर किया था, मैंने कहा कि चलो यार मैं ज़रूर जाऊँगा और एक अपने फ्रेंड्स के लिए और अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए ज़रूर वीडियो मैं बनाऊँगा। तो फिर हम थोड़ी देर में आगे चलेंगे, वहाँ पे मस्कत के पहाड़ आपको मैं दिखाऊंगा जो बिल्कुल ही उसके बॉर्डर के करीब हम जाएंगे। ठीक है, जी गाइस मैंने आपको कहा था कि मैं मस्कत का बॉर्डर भी आपको दिखाऊंगा। तो ये मेरे सामने आप देख रहे हैं, सामने ग्रीन कलर के बोर्ड्स के बाद दो रेड कलर के बोर्ड लगे हैं और एक शेड बना हुआ है। एक्चुअली ये बॉर्डर है मस्कत का और मस्कत के बॉर्डर के बाद ग्रीन कलर की लाइट्स लगी हुई हैं। और ये आप देख लें ये जो यूएई की लाइट्स हैं ये वाइट हैं और उनकी ग्रीन है। ठीक है, मैंने असल में थोड़ा दूर खड़ा हुआ हूँ क्योंकि वहाँ पे कैमरा यूज़ करना मना है। ठीक है, तो इसीलिए फिर मुझे थोड़ा सा पीछे करके आके तो इसको बनाना पड़ा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर ये ज़ूम हो गया तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ज़रा, बस इससे ज़्यादा मेरे पास कैपेसिटी नहीं है मेरे फ़ोन में। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको मस्कत का समुंदर भी दिखाता हूँ। ठीक है, चलो फिर तब तक सिटी पीछे देख रहे हैं। तो हम लोग आज इसके इतने करीब आए हैं, इस बॉर्डर का नाम है क्या नाम है इसका जी? दिब्बा चेक पॉइंट। हाँ, इसका नाम है दिब्बा चेक पॉइंट और इसका पूरे एरिया का क्या नाम है? दिब्बा अल हसन। ठीक है, और ये पीछे देखें ये इन्होंने सारे पत्थर वगैरह सारे जमा किए हैं पानी के प्रेशर के लिए। ठीक है, और पानी इतना साफ़ है कि आपकी सोच होगी कि कितना साफ है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ना कैमरे को घुमा के दिखाता हूँ। आपने मुझे बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, कौन सा पार्ट इसका ज़्यादा अच्छा लगा है, मुझे कमेंट में लिख के बताना है। और इसको याद से सब्सक्राइब करें और रिव्यू में कमेंट करें और साथ में छोटी सी घंटी लगी होगी बेल आइकॉन को क्लिक करें। और वीडियो को लाइक करने के बगैर जाना नहीं आपने। ठीक है, करनी है याद से। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।